यार वो कैसे हो? आशा करते हो कि सब एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक। तो आप यहाँ पे वो फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से अलग अलग से कलर चढ़ाया गया है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने शायद इस तरीके का फ़ोटोज़ देखे होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडियाज़ पे, इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों का भी मन चाहता है कि भाई हम भी ऐसे फ़ोटो एडिटिंग करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। और आप सोचते हो कि कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत क्वेश्चंस मन में आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस तरीके का जो एडिट होते हैं, जो फ़ोटो एडिट होते हैं, वो आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इस तरीके के जो फ़ोटो आते हैं इनको हम ड्यूल टोन फोटो एडिटिंग कहते हैं, जहाँ पे दोनों तरफ से अलग से कलर को चढ़ाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिजल और आप देख रहे हो क्रिएटिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के। Press the bell icon on the YouTube app. तो इसके लिए तो आपको कुछ ऐप्स और फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस एडिटिंग को करने के लिए। तो इसका लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दे रखा है और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है resolvemandal19। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपने मेरे जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर बायो सेक्शन पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने एडिट को कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया सा एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेके जाते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेश फोटो है और आपको भी इस तरीके के फ्रेश फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके फ़ोटो में किसी भी तरीके का एडिटिंग होता है तो आपका आउटपुट जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे पिक्सट ऐप का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे जो है पिक्सट से ओपन कर लेते हैं। आपका फोटो पिक्सट पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पे चले जाना होगा और यहाँ से आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको BW मिलेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट्स में जाना होगा और इसके बाद आपको कलर्स के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, यहाँ पे आपको टैप करना होगा। आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाना होगा और यहाँ पे आपको अमाउंट को ज़ीरो कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इरेजर टूल पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। होने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश टूल पे क्लिक करना होगा और ब्रश के सेटिंग्स पे जाना होगा और यहाँ पे आपको हार्डनेस को अराउंड 95 से ज़्यादा रखना होगा। 95 ही रखता हूँ मैं, 95 भी चलेगा। और आप अपने साइज़ जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको अपने बैकग्राउंड को जो ब्लैक करना होगा तो हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। आपका बैकग्राउंड एडिट होने जाने के बाद आपको यहाँ पे डन कर लेना होगा और फिर से इसे डन कर लेना होगा। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट सेक्शन पे चले जाना होगा और यहाँ से आपको और एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है ड्रामा, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके सेटिंग्स पे चले जाना होगा, इसका जो फेड है आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। फेड को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ये सही लग रहा है मुझे, तो हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे और फिर से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से आपको इफेक्ट्स में जाना होगा और यहाँ से आपको इफेक्ट्स के अंदर फिर से और एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है लोमा, वो इसे भी सिलेक्ट करना होगा। सेटिंग्स पे चले जाइए और यहाँ पे इसका जो अमाउंट है इसे ज़ीरो कर दीजिए और विंटेज को थोड़ा सा आप रख सकते हैं, थोड़ा सा अराउंड 48 ठीक है, यही ठीक है। तो हम इसे रख देते हैं और अभी इसे हम इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको हार्डनेस को थोड़ा सा लो करना होगा। लो करने के बाद आपको इसका जो साइज़ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपको अपने जो फेस है उसे थोड़ा सा क्लियर कर देना होगा। फेस क्लियर हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फोटो है वो कितना बढ़िया सा दिखने में लग रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लग रहा है। तो हम इसे डन कर देते हैं और फिर से इसे डन कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दो PNGs की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे ऐड कर देते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है वो PNG, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं और आपको इसे यहाँ पर लगाना होगा। और इसका जो ब्लेंड मोड है उसे भी हम चेंज कर देंगे
इसे हम स्क्रीन रख देंगे। और यहाँ हमें यहाँ पे दूसरा चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। और हमें ये इस तरफ भी चाहिए, यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं। और हम इसका जो ब्लेंड मोड है इसे भी स्क्रीन कर देते हैं। आप अभी देख सकते हैं ये फोटो कितना बढ़िया लग रहा है। और हम इसे जो है ऐसे ही सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें लाइट रूम की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे हम कलर इसका एडिट कर देंगे। हम इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारे फ़ोटो सेव होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और हम इसे अभी जो है एडोब जो लाइट रूम है उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ से फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसके जो है लाइट रूम पे शेयर कर देता हूँ ताकि लाइट रूम से ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोटो को जो है लाइट रूम पे इंपोर्ट कर लेना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टिव टूल पे जाना होगा। यहाँ से प्लस ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ग्रेडियंट को ड्रॉ कर देना होगा। इस तरीके से कुछ हो गया। इसके बाद आपको इसका जो टेम्परेचर है इसको एकदम माइनस पे ले जाना होगा। और आप इसे चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब इसे डन कर देते हैं। आपको फिर से यहाँ पे ग्रेडियंट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हो गया ड्रॉ। अब इसका जो टेम्परेचर है इसे हम एकदम हाई कर देते हैं। इसका टिंट को भी हम फुल कर देते हैं और सैचुरेशन को भी बढ़ा देते हैं। अब इसका कलर को आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छी लगेगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे थोड़ा और यहाँ पर खींच देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ से इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी जो है आपको इसका जो शार्पनेस और बाकी पैरामीटर्स को ठीक करना होगा। तो हम इसका जो शार्पनेस है इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका फ़ोटो में कोई नॉइज़ हो तो वो हट जाएगा। कॉन्ट्रास्ट को आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं थोड़ा सा बस। तो अभी जो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कितना बढ़िया लग रहा है। तो हम इसे अभी सेव कर देते हैं, यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देते हैं। ये सेव हो गया है, ओके कर देते हैं। अब इसे हम बैक करते हैं। तो अभी आपको फिर से इसे पिक्सआर्ट पे ओपन कर लेना होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर स्टिकर के ऑप्शन पर चले जाना होगा। यहाँ से आपको विंटर ब्रीथ नाम का एक स्टिकर मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर मोर ऑप्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे जो है यहाँ पर डाल देते हैं। इसका जो ब्लेंड है इसे हम स्क्रीन कर देते हैं और इसका जो ओपेसिटी है इसे हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। फिर से हमें एक स्मोक की जरूरत पड़ेगी। हम इसे प्लस पे फिर से चले जाते हैं और यहाँ से स्टिकर पे। अभी आपको आप इन स्मोक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा स्मोक पैक को।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से एडिट कीजिए अपने फोटोज और इंस्टाग्राम पे डालिए। और इंस्टाग्राम पे डालने के टाइम आप मुझे टैग कर सकते हैं @rizalmandal19 या फिर @krizyax लिख के, इससे मैं जो है आपका फोटो जो है उन्हें चेक कर पाऊंगा और देख भी पाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है और कुछ सीखने को भी मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, भर भर के दोस्तों के साथ फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मन में कुछ डाउट या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी आस्क।